बैतुल मुकद्दस से किबला अवल इन्हों का है हो कोई नहीं, इन्हों अपने नबी दी फरमान ते भरोसा कोई नहीं, कुरान ते भरोसा कोई नहीं। अगर कुरान ते भरोसा हो फिर कमन कम मिन फियातिन कलीला तिन गलबत फियातिन कसीरा। ए खाली पढ़ना नहीं किबला, इन्हें ते अमल भी करो। जे अमल करना ते खालिद बिन वलीद की तरह करो। 60,000 दे लश्कर विच खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके चले गए। फारूक आजम को पता लगे, फरमाया खालिद है तू की कीता, 60 बंदे लेके चला गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने आख्या है अमीर उल मोमिनीन कुरान जहदा एक को होगे आधार के मुकाबले फतह पाओगे। मैं देखना सी असियां या कोई होर है। मदीना मिलाद कमेटी कोर्ट समाबा वाले है मोहम्मद नवीद साहब ते नेमतुल्ला साहब कल सवेरे उठ के कवे जी असी मिलाद का प्रोग्राम कराया सी, मौलवी साहब की तकरीर कर गए। यह जड़ा मैं बयान कर रहा यही मिलाद है। हाँ, कौम दियां दियां लुट रही हैं ते मैं तुहानू जरा मंडा मंडा सुनावा। आ लो झंडे बना लो, ऐ कर लो जरूर झंडे बना लो। साहबा ने भी झंडे बनाए लेकिन झंडे बना के रखे नहीं, जाके कैसरा दे कैसरो किसरा दे उत्ते जाके ला देते हैं। निकलो बाहर हुजूर आ गए। हाँ साहबा भी मिलाद बनाया लेकिन फलस्तीन फतेह करके मनाया, बैतुल मुकद्दस फतेह करके बुलाया। हजरत जो बैतुल मुकद्दस फतेह होया तो मुसलमानों ने क्या आज खुशी का दिन है, फारूक आजम ने क्या आज खुशी का दिन है। उन्होंने कहा खुशी किस तरह मनाइए, फरमाया आज बिलाल अजान देगा। आज वो अजान देगा जिन हजूर ने काबे की छत से चढ़ा के अजान दवाई। आज ये फलस्तीन के उत्ते भी अजान ये देगा, आज बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के उत्ते अजान भी बिलाल देगा। हाँ ये जरूर मिलाद है लेकिन जिम्मे साहबा ने मनाया हो मिलाद। कोई कल आखे मिलाद की है तो उन्होंने दस देना, उन्होंने कहा फलस्तीन के उत्ते जाके हजूर के दीन का झंडा लाना, यही फारूक आजम की सुन्नत है मिलाद मनाना। हाँ मिलाद यही है और हजूर के दीन ना लग जाओ। थोड़ी जी सियासी गल भी कर लो, इजाजत हो। नाराज तो नहीं हो गए किबला तुसी? हाँ जी।